वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नीट से संबंधित मिक्स्ड क्वेश्चन, जो कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर बेस्ड MCQs है। और ये जो अपना है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। 4 टेस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आपको नीट प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाकर वो वीडियोस आप देख सकते हैं। टोटली टेस्ट जो है अपना हिंदी में रहने वाला है और इसका जो डिस्कशन है वो डेली हम 8 बजे करते हैं नाइट में, और लाइव सेशन रहता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जब एक छत पर लगा पंखा घूर्णन करना प्रारंभ करता है तो यह पहले 3 सेकंड में 10 चक्कर पूरे करता है, तो यह अगले 3 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर लेगा। दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिए कि जब एक छत पर लगा पंखा घूर्णन करना प्रारंभ करता है तो यह पहले 3 सेकंड में 10 चक्कर पूरे करता है, तो यह अगले 3 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर लेगा। जो नियत कोणीय है वो आपने त्वरण माने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। आपके पास 5 से 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 30 चक्कर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि दिष्ट धारा के लिए किसी कुंडली का प्रतिरोध 5 OHMS है, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिरोध क्या होगा, मतलब प्रतिरोध में क्या परिवर्तन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। आगे की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 10 ग्राम बर्फ के ब्लॉक को अगर 0.93 वॉट आवर ऊर्जा दी जाती है, 10 ग्राम बर्फ के ब्लॉक को 0.93 वॉट आवर ऊर्जा दी जाती है, तब इसमें क्या परिवर्तन आएगा। क्या आधा जो ब्लॉक है वो पिघल जाएगा, या फिर पूरा ब्लॉक पिघल जाएगा, या फिर आधा ब्लॉक पिघलकर पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, या फिर ब्लॉक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि पूरा ब्लॉक जो है वो पिघल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके PDF की, कि आपको PDF कहाँ मिलने वाली है। तो इसकी PDF के लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ मैं इसकी PDF जो है वो इस टेस्ट के ख़त्म होने के बाद डाल दूंगा। तो वहाँ जाके आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF से संबंधित कोई भी आपको शिकायत जो है वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका कि कोई गैस आदर्श गैस से अधिकतम विचलित कब होगी, कोई गैस आदर्श गैस से अधिकतम विचलित कब होगी, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आप बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा कि निम्न ताप और उच्च दाब होगा तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि द्रव्यमान ऊर्जा का तुल्यांक को मानते हुए, द्रव्यमान ऊर्जा का तुल्यांक को मानते हुए यदि पानी बर्फ में बदलता है तो पानी का द्रव्यमान क्या होगा। इसके आपको ऑप्शन 3 ही मिले हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि घटेगा, पानी का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका कि निकट दृष्टि दोष का रोगी कौन सा लेंस प्रयोग करता है, निकट दृष्टि दोष का रोगी कौन सा लेंस प्रयोग करता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल ईजिएस्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा होगा, तो अवतल लेंस। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि यंग के प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का पुंज आपतित किया जाता है, यंग के प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का पुंज आपतित किया जाता है, यदि सिलेट की चौड़ाई d है तो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ाने पर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, यह आज का आपका क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फ्रिज की चौड़ाई जो है वो कम होगी, यानी डिक्रीज होगी। आगे बात करें तो आगे है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 20 मिनट है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु जो है वो 20 मिनट है, और उन समय बिंदुओं का अंतर क्या है जब वह क्रमशः 33% व 67% लगभग विघटित है।
इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है कि एक प्रकाश उत्सर्जी डायोड यानी कि एलईडी के सिरों के मध्य विभवांतर 2 वोल्ट एवं उससे प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है। जब डायोड एक सीमांत प्रतिरोध आर व 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कार्यरत है, तब प्रतिरोध आर का मान क्या होगा? तो 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 400। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका कि एक गैस अपचयन द्वारा फूलों के रंग को विरंजित करती है। एक गैस अपचयन द्वारा फूलों के रंग को विरंजित करती है जबकि दूसरी गैस ऑक्सीकरण द्वारा करती है, तो दोनों गैस से क्रमशः कौन सी होगी? ध्यान से सुनिए कि एक गैस जो है वो अपचयन द्वारा फूलों के रंग को विरंजित करती है और जो दूसरी है वो ऑक्सीकरण द्वारा करती है, तो दोनों की जो गैसें हैं वो कौन सी होगी वो आपको बताना है। तो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, SO2 तथा Cl2। आगे देखिए, आगे है कि पायरोसिलिकेट ऑयन है कौन सा है इनमें से पायरोसिलिकेट ऑयन, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी Si2O76-, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे है कि शुष्क विरंजन निम्न में से किसके द्वारा होता है? शुष्क जो विरंजन है वो निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि O3। आगे देखिए, आगे है कि एमाइड लिंकेज वाला बहुलक कौन सा है? एमाइड लिंकेज वाला बहुलक जो है वो कौन सा है? 73 ऑप्शन नंबर एक जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि नाइलॉन 6। आगे देखिए, आगे है कि निम्न में से कौन अपचायक शर्करा है? निम्न में से कौन अपचायक शर्करा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो ए नंबर रहने वाला है, यानी कि स्टॉर्च। स्टॉर्च जो है वो एक अपचायक शर्करा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट बात करें तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन कि सक्रवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन की कमी से जो जो रोग होने वाले हैं, खासकर आपको विटामिन बी जो है वो कई प्रकार के विटामिन बी होते हैं, B2, B12, ये दो तो इसमें ही आ गए, तो इनके रोग तो आपको डेफिनेटली याद करने हैं कि जो विटामिन कमी से होने वाले रोग जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनसे क्वेश्चन जो है वो आवश्यक तौर पर बनता है। तो स्क्रवी का बताइए कि कौन सा होगा? तो सी से स्क्रवी, देखिए सी से स्क्रवी, ठीक है, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। बी से बेराबेरी इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन के से कौन सा होता है? तो ये रक्त स्राव होता है, ये आपका रक्त स्राव, ये विटामिन के की कमी से होता है। तो इस प्रकार से विटामिन की कमी से जो भी रोग होते हैं वो आप सभी को याद करने हैं। इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि सी। आगे है कि C3 पौधों में प्रकाशित अभिक्रिया स्थल है। C3 पौधों में प्रकाशित अभिक्रिया जो स्थल है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? थायलेकाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, आगे है कि एक अणु O2 के निष्कासन के लिए कितने फोटोन की आवश्यकता होगी? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 8 फोटोन की जो है वो आवश्यकता होगी। आगे है कि C4 पौधों में पिपकेस एंजाइम शामिल होता है। C4 पौधों में पिपकेस एंजाइम शामिल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कार्बोलिसिलिकन में। आगे है कि कौन से प्रकाश रंग में
कौन से प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण का एक्शन स्पेक्ट्रम निम्नतम होगा? कौन से प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण का एक्शन स्पेक्ट्रम निम्नतम होगा यानी मिनिमम होगा? तो क्या होगा? ग्रीन यानी कि हरा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लैक्टिक किण्वन में अंतिम ई नेगेटिव ग्राही है, लैक्टिक किण्वन में अंतिम ई नेगेटिव ग्राही है कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर एक यानी कि पाइरूविक अम्ल। तो इसमें अपने टॉप 20 जो क्वेश्चंस हैं वो अपने डिस्कशन की है आज के टेस्ट नंबर 5 में, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चंस जो अपना टेस्ट अटैम्प्ट किया था वो 30 से 35 क्वेश्चंस का था और वो थोड़ा लंबा हो गया था। तो अपने 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आप सभी को पता है कि 70% पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर का रिपीट होता है, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और वो बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस, तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। और इसमें तो हम मिक्स्ड क्वेश्चन जो है वो देखते ही हैं। अगर आपको बायोलॉजी के एक पर्टिकुलर यानी कि एक अलग से बायोलॉजी का एक टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आपका जो इसमें स्कोर रहा टॉप 20 में आपके कितने अटैम्प्ट्स रहे, लगभग आपका जो स्कोर है वो 12 प्लस या फिर 15 प्लस तो होना ही चाहिए, तभी आपकी जो तैयारी है उसको बेटर माना जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं थे, इजी क्वेश्चन जो है वो आज हमने डिस्कस किए। तो ये आज का वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।